हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, इधर बहुत ही तेज सुबह से बारिश हो रही थी, अभी छुट्टी है। उधर रेनबो भी निकला था पर वो चला गया, और वैसे 6 बजने वाला है और अंधेरा भी होने वाला है। अभी से ही पूरा अंधेरा हो गया है, 6 बजे और पूरा अंधेरा। वैसे तो मैं अभी नीचे जा रहा हूँ, मैं अभी बाहर नहीं जाने वाला। बारिश हुई है, पूरी कीचड़ कीचड़ हो गई बाहर। मैं नहीं जाऊँगा आज बाहर, आज घर में ही रहेंगे आराम से। तो गाइस, अभी मैं दूध लेने जा रहा हूँ इस बेकार सी कीचड़ सी मौसम में। या बुरी खबर है कि लाइट भी चली गई है पूरी एरिया की, अंधेरा ही अंधेरा है। बस ये रोड में जो लाइट होती है वही जल रही है। अबे क्या, पूरा दिन भर? यस ब्रो, हाँ कुछ नहीं करता हूँ मैं, बस रिकॉर्डिंग करता हूँ। हाँ नहीं करता या नहीं, मैं सांस भी नहीं लेता हूँ, मैं रॉबोट हूँ। वो गाड़ी भले ही टूट जाएगा पर मुझे कुछ नहीं होगा, आपको ही होगा और वो गाड़ी। मैं रोबोट हूँ ना, मैं दिन भर। 2000 years later। सो हे गाइस, गुड इवनिंग। और जैसे कि देख सकते हो, मैं चेंजिंग रूम में हूँ या ये ड्रेस चेंज कर रहा हूँ, और वैसे अभी 4 बज रहे हैं। सो गाइस, मैंने तो अपना ड्रेस खरीद लिया है, फिलहाल मुझे अभी एक और चीज़ खरीदना है। रैकेट खरीदने जा रहा हूँ, या रैकेट, मेरे पास एक और रैकेट है पर उसका हाल कुछ बेहाल है। ये है मेरा पुराना रैकेट जो कि मैंने 4 साल यूज़ किया, आखिरकार ये टूट गया। यस, ये है इसका कुछ हाल। ये फ्रेम है, ये नीचे वाला, ये तलवार, मेरा तलवार है ये। वैसे ये तो टूट गया, मैं अभी एक नया रैकेट खरीदूंगा फाइनली। तो मैं हूँ रेडी जाने के लिए, और मैं जा रहा हूँ सेक्टर 32, क्योंकि उधर ही एक अच्छा स्पोर्ट शॉप है। धूप निकली है आज बहुत ही तेज, फिर भी हम चलेंगे। अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि कब ये कार जाए, कब मैं निकलूँ यहाँ से। बहुत ट्रैफिक है, वहाँ से निकल गया फाइनली मैं, बहुत ही लेट लगा पर निकल गया। तो गाइस, मेरे साथ एक सीन हो गया, मैं पैसे लाना भूल गया, पर अच्छी बात ये है कि मेरे पेटीएम में पड़े हैं। गड्ढा है इधर, मुझे घूम के जाना पड़ेगा। वेट, चलो जल्दी से। तो मैं पहुंच गया स्पोर्ट्स शॉप में, मैं कंफ्यूज हो कि कौन सा ग्रिप लगाऊं अपने रैकेट में। मैंने ब्लैक चॉइस किया है क्योंकि ये गंदी भी नहीं होगी और अच्छी भी है। सो गाइस, मैंने रैकेट खरीद लिया है, ये है रैकेट, और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसका अनबॉक्सिंग करने में। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से ही साइकिल उड़ा के अपने घर में ले जाऊँ, वो मेरा ही घर है, पर ऐसा कर नहीं सकते, मुझे पूरा घूम के आना पड़ेगा। तो ये है मेरा रैकेट जो कि मैंने आज ही ख़रीदा है, इसका पैकेट कुछ ऐसा है। ये है रैकेट, मैंने ब्लू कलर का लिया है, और ये है नैनोरे 7000i। यस, मेरे पास जो पहले था वो था कार्बोन एक्स 7000EX, वो भी 7000 है, ये भी 7000 है। हाँ, और ये कुछ ऐसा टाइप का है, इसका स्ट्रिंग भी बहुत ही मजबूत है, और ये है 80G, मतलब ग्राम होता है ना शायद से, हाँ सॉरी 80 ग्राम का है, हल्का है वैसे। एक चीज़ में अच्छा नहीं लगा, वो भी इसके कवर में, कि इसका कवर बहुत ही पतला है। मेरा जो कार्बोन एक्स रैकेट है ना, उसका कवर इससे अच्छा है, इसलिए मैं वो वाला कवर यूज़ करूँगा। और इसमें नाम भी नहीं लिखा है ये कौन सा है, नैनोरे लिखा रहता है ना, ये भी नहीं है। मैं ये यूज़ करूँगा, ये यार ये मोटी टाइप की है ना, मतलब थोड़ा सेफ रहेगा मेरा रैकेट, तो मैं यही कवर यूज़ करूँगा। इसमें कंपनी का नाम भी लिखा है, कार्बोन एक्स। आज मज़ा आएगा इस रैकेट के साथ खेलने में,
मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि कब मैं इस रैकेट को यूज़ करूँ। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।